नमस्कार, स्वागत आप सभी का सत्य खबर में। मैं हूं आपके साथ रविंद्र आर्य। इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हैं पानीपत से। दावे हैं, दावों का क्या, सरकार तो दावे करते ही है। अगर हम हरियाणा की जो अनाज मंडी है उनकी बात करें तो उठान न होने के कारण सरकार के द्वारा एक फरमान जारी किया गया कि शनिवार और रविवार को जो है उठान की बजाय इस बार खरीद के बजाय उठान होगी। लेकिन जो है उसकी दिक्कतों का सामना जो है आढ़ती और किसानों को सामना करना पड़ रहा है उसका, क्योंकि शनिवार रविवार को जो है खरीद नहीं हो रही है। और बात अगर उठान की हम करें तो उठान भी जो है उसके भी हालात बुरे हैं। हम अभी मंडी में पहुंचे हैं, आढ़ती जो है उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और सरकार की तो किसान जो है मार झेल ही रहा है, साथ ही साथ मौसम की भी मार जो है किसान को झेलनी पड़ रही है, क्योंकि बीती कल रात को भी जो है थोड़ी बहुत बारिश जो है देखने को मिली थी। हालांकि बारिश थोड़ी कम थी तो अनाज जो है उसमें बचाव रह गया, अगर बारिश थोड़ी और बढ़ जाती तो उसके नुकसान काफ़ी उठाने पड़ जाते। इस वक्त हम पानीपत की अनाज मंडी में पहुँचे हैं, आरती बैठे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार जी। उठान होगी आज दो दिन के लिए क्योंकि खरीद बंद है, तो कैसे हालात हैं? कोई उठान नहीं हो रहा जी, सारा दिन में 10-12 गाड़ी उठे हैं पूरी मंडी में, कई लाख कट्टा पड़ा है मंडी में। और वो भी जो एक आधा इसके ड्राइवर इतने बदमाश है, पहले 2 रुपये कट्टा रिश्वत लग गया था, अब 3 रुपये कट्टा मांगने लग गए। अच्छा। हाँ, कैसे उठवाओगे इतना तो आढ़तियों को, इतना तो मुनाफा भी नहीं इसमें। तो कंगाले में आटा गिला वाली बात हो गई कि ये 2 की बजाय 3 रेट हो। हाँ बिल्कुल, ये तो रिश्वत है, वो तो ठेकेदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना उठाने की। तो ये तो इसके ड्राइवर इतने बदमाश हो रहे, वो कह रहे जो पैसा देगा उसी का उठाएंगे, बताओ क्या करें। तो फिर कल उपायुक्त महोदय ने कही थी ये बात तो कि अगर जो ठेकेदार है कोई को तो अली बरते हैं तो आप शिकायत करें। किसको करें, कोई यहाँ तो कोई आता नहीं, कोई अफसर मंडी में तो कोई डीसी नहीं आया, कोई एसडीएम आया, किसको करें शिकायत, बताओ। तो जो ये फैसला लिया गया है कि दो दिन शनिवार और रविवार को खरीद के बजाय उठान होगी, वो सार्थक है या नहीं? ऐसा जी, ये तो सब करनी में कथनी में बहुत फर्क है, कह देते हैं बैठे बैठे न्यूज पे, उस पर कह देते हैं, उठान में कोई तेजी नहीं आई, वैसे का वैसे है, उससे भी बिल्कुल ढीला हो गया है उठान। आप मंडी में देखिए कहीं लोडिंग कोई ट्रक दिख रहा है आपको लोडिंग के लिए, देख लो ये। अगर हम मंडी की अगर हम तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो चारों तरफ अगर हम नजर फैलाएं तो कट्टे ही कट्टे जो गेहूं के दिखेंगे, और उठान के जो है हालात आप देख सकते हैं काफी बुरे हैं, क्योंकि गेहूं के कट्टे जो है वो भरे पड़े दिख रहे हैं वीडियो में आपको। कल उपायुक्त महोदय ने ये बात तो कही थी कि जो है शनिवार रविवार को उठान में तेजी लाई जाएगी, फिर भी कोई असर नहीं दिखा। नहीं, हमारे को तो कोई असर दिख रहे हैं जी, कोई उठान नहीं हो रहा। आप देख लो ना मंडी में, कैमरा घुमाइए कहीं उठान आपको दिखाई दे रहा हो, तो तेजी का तो इसी से पता लग जाएगा। पूरी मंडी में देख लो कोई लोड एक भी गाड़ी हो तो। ताऊ भी हमारे साथ बैठे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। ताऊ करियो थोड़ी कुर्सी पीछे। बारिश हुई थी कल, थोड़ी हुई बच गया, बचाव रह गया। हाँ, हल्की बारिश हुई बस, ये आंधी भी आई, हल्की बारिश भी हुई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामफल। आड़ती है किसान? किसान हम। अच्छा, तो गेहूं देने आयो? गेहूं बेचने आया। अच्छा, खरीद हो रही है आज? वो के हो रही है तेरे, देखना कौन सी हो रही बारिश। अच्छा भाई, ये ढेरी आई मेरी आज तक कट्टे भरे पड़े, आड़ती का सामना करनी पड़ा भाई, घर वाले जब घर वहाँ बेचारे थोड़ा आकर के थोड़ा बहुत जब यहाँ कट्टे जगह ही नहीं घर होगा फिर ये बताएंगे। तो देखा आपने, तंग ये जो है काफ़ी हो रहे हैं किसान भी और आढ़ती भी, दोनों की अगर नज़रें हम दौड़ाएं अगर मंडी के अनाज मंडी में तो चारों तरफ जो आपको कट्टे ही कट्टे देखने मिलेंगे। हालांकि कल पानीपत उपायुक्त महोदय धर्मेंद्र सिंह ने पानीपत की 2-3 मंडियों का दौरा किया था और गेहूं के जो हालात हैं कट्टों के उनको देख कर यही कहा था कि उठान में तेजी लाई जाएगी, लेकिन उसका कोई असर जो है वो ज़मीनी तौर पर देखने को नहीं मिला, क्योंकि अभी हम लाइव आपसे जुड़े हुए हैं पानीपत अनाज मंडी से और हालात जो हैं वो बदतर ही दिख रहे हैं। अनाज गेहूं अनाज की अगर हम बात करें तो 80% जो काम है वो पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक जो है मंडियों के हालात काफ़ी बुरे हैं। कल रात भी बारिश भी आई थी और गेहूं भी जो है भीग गए थे, लेकिन गलीमत यह रही कि बारिश कुछ कम रही
और थोड़ा बचाव रह गया। और भी किसान यहाँ पर है, उनसे भी बातचीत करेंगे। जी नमस्कार, क्या नाम आपका? अच्छा, आड़ती है किसान हो? किसान है। अच्छा, तो क्या गेहूँ देने आयो, बेचने आयो? गेहूँ बेचने आयो। अच्छा, आज हो रही है खरीद? हाँ, खरीद रहे हैं। खरीद रहे हैं? अच्छा, मना किया गया कि शनिवार रविवार को खरीदनी होगी? कौन कर रहा? ये फरमान जारी किया गया सरकार के द्वारा कि शनिवार और रविवार को खरीदनी होगी, सिर्फ उठान होगा। ये बोरिया कैसे लगी पूरी? उठान कहाँ हो रहा था? अच्छा, आपके सामने पड़ी तो बोरिया लगी, उठान तो नहीं हो रहा? आप ही देख लो, ये उठान हो रहा है नहीं हो रहा है? तो क्या कहना चाहोगे सरकार को? हम क्या कहेंगे भाई, सरकार की मर्जी है, उठवाओगे तो सरकार उठवाओगे, हमने तो उठानी नहीं है। ये कहाँ से आए हो आप? नंगलखेड़ी से। नंगलखेड़ी से। गेट पास की भी समस्या पहले देखने को मिल रही थी, आज क्या सिचुएशन है गेट पास की? बंद उधर के बाद गेट से आएगा। अच्छा, तो चलिए, किसान जो है, किसान भी आज आए हुए हैं खरीद। हालांकि कुछ किसान बता रहे हैं कि खरीद हो रही है, हालांकि सरकार के द्वारा तो यही बात कही गई है कि शनिवार और रविवार को जो है अनाज मंडी में खरीद नहीं होगी। और भी किसान हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर आपको बता दें कि पानीपत से हम आपको तस्वीरें लाइव दिखा रहे हैं। सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि शनिवार और रविवार को जो है खरीद नहीं की जाएगी, उठान होगा। लेकिन जो उठान है उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि उठान के हालात जो हैं काफ़ी बदतर हैं। आढ़तियों से भी हमने बातचीत की, उनके द्वारा भी यही बताया गया कि उठान जो है उसके भी हालात बुरे हैं। एक भाई, नौजवान भाई हमें मिले हैं। क्या कह रहे हो? लेट हो रही है, लेट हो रही है। अच्छा, लेके जा रहे हो? हाँ। अच्छा, चलो कोई नहीं, एक तो मना करके बात करने से और किसानों से बातचीत करेंगे। हेलो, हालांकि खरीद आज बंद है तो किसान इतने ज्यादा नहीं है यहाँ पर। आरतियों से हमने बातचीत की थी, वो ये कह रहे थे कि और दिन के बजाय उठान में आज और भी ज़्यादा गिरावट है। जिस दिन खरीद होती थी तो उठान में भी तेज़ी होती थी, लेकिन आज जब खरीद बंद है, सिर्फ उठान उठान है, तो आज के दिन उठान में बहुत कमी है। आप देख भी सकते हैं कि उठान में बहुत कमी यहाँ पर दिख रही है। आड़तियों से हम और बातचीत करेंगे। सत्य खबर के माध्यम से लाइव तस्वीरें पानीपत से आप देख रहे हैं। पानीपत के अनाज मंडी के हालात हम आपको दिखा रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, कैसे हालात आज उठान के? आज तो लोडिंग हुई नहीं भाई साहब। हुई नहीं? नहीं, आदेश तो ये दिया गया कि शनिवार और रविवार को जो है खरीद नहीं होगी, उठान होगी। नहीं, आज लोडिंग नहीं हुई, गाड़ी नहीं आई खाली होके। खाली आई नहीं? नहीं। अच्छा, मतलब बिल्कुल ही नहीं खरीद हो रही, उठान हो रही है? नहीं, जिसकी गाड़ी आ गई उसकी लोडिंग होगी, जो नहीं आई तो नहीं हुई लोडिंग। क्या कह रहे थे आप? मगर लेबर खाली बैठी है गाड़ी के लिए, गाड़ी नहीं दे रहे हैं। अच्छा, हाँ, सब बंदे देख रहे हैं बाट मुंह उठा उठा के। अभी आरती के द्वारा ये भी बात कही गई कि लेबर भी जो है दो की बजाय आज ₹3 ले रहे हैं उठान के। उठाएंगे जब उनके इतना जाम लग रहा है, और एकदम से उनके डंडा आ रहा है कि कट्टा उठाओ कट्टा उठाओ, एकदम से कैसे उठा पाएंगे? हिसाब से गाड़ी नहीं दे रहे हैं। आड़ती कह रहे हैं इसको आज ही लोड कर दो, ऊपर मौसम को देखते हैं तो आज कैसे लोड हो जाएगा एकदम से? अभी ना गाड़ी के तो लोड कैसे होगा? हाँ, तो मौसम आता है तो एकदम से दाब देते हैं लेवर पे के इधर चट्टा लगाओ, उधर लगाओ, उधर लगाओ, इधर लगाओ। तो तस्वीरें हमने आपको पानीपत की दिखाई कि जो उठान है उसमें बेहद ज़्यादा आज गिरावट देखने को मिली है। हालांकि सरकार के द्वारा ये कही गई है कि शनिवार और रविवार को खरीद नहीं होगी, उठान होगा। और कल जो पानीपत के उपायुक्त महोदय डीसी धर्मेंद्र यादव हैं, उन्होंने भी पानीपत की दो तीन मंडियों का दौरा किया था और यही कहा था हालात को देखते हुए कि उठान में तेज़ी लाई जाए, लेकिन जो है वो जमीनी तौर पर उसका पालन नहीं हुआ है और आज उठान में बेहद ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन मनीष के साथ मैं रविंद्र आर्य, पानीपत। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।